हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना की। बात करें कि आखिर भारत की भूगर्भिक संरचना क्या है, तो भारत विभिन्न क्रमों में किन किन चट्टानों से निर्मित हुआ है, अर्थात भारत का निर्माण किन किन चट्टानों से हुआ है और उन चट्टानों का निर्माण किन किन कालों में हुआ है, किस तरीके से हुआ है और उन चट्टानों की क्या विशेषता है, इन सभी के अध्ययन को क्या कहते हैं हम भारत के भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत, उसका अध्ययन हम करते हैं। यदि हम बात करें भारत की, तो भारत में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? जो सबसे पहले की चट्टानें हैं, जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ था, पृथ्वी के निर्माण के समय हुआ था, उन चट्टानों से लेके वर्तमान में जिन चट्टानों का निर्माण हो रहा है, उन सभी चट्टानों का सम्मिश्रण भारत में पाया जाता है। और इन सभी चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है विश्व, जो पृथ्वी है उसके पांच महाकल्प हैं, उसके निर्माण की जो प्रक्रिया के हैं कल्प हैं, उन्हें पांच महाकल्पों में विभाजित किया गया है। कितने महाकल्पों में? पांच महाकल्पों में। कि पृथ्वी का जो इतिहास है वो पांच महाकल्पों में है। पहला महाकल्प है जिसे बोला जाता है पैलियोजोइक, सॉरी पहला होता है एजोइक। क्या बोला जाता है? एजोइक। एजोइक को अजैविक भी बोला जाता है, अर्थात जब पृथ्वी आग का गोला थी, आग के गोले से धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, तो उस समय कोई भी जीव अस्तित्व में नहीं था, और जो जीव अस्तित्व में नहीं था तो इसीलिए इसे कहा जाता है अजैविक। तो पहला काल है एजोइक। दूसरा महाकल्प होता है जिसे बोला जाता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक। तीसरे महाकल्प की बात करें कि तीसरा महाकल्प कौन सा आता है, तो वो आता है मेसोजोइक। क्या आता है? मेसोजोइक। चौथे महाकल्प की बात करें कि आखिर चौथा महाकल्प कौन सा है, तो चौथा महाकल्प है सेनोजोइक। और बाद में बात करें पांचवे महाकल्प की कि आखिरी महाकल्प कौन सा है, तो उसे कहते हैं नियोजोइक। क्या कहते हैं? नियोजोइक। तो इन पांच महाकल्पों में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी का पूरा निर्माण हुआ है, पृथ्वी का विकास हुआ है, और इन्हीं पांच कल्पों में जो विभिन्न क्रमों में चट्टानों का निर्माण हुआ है, उन्हीं विभिन्न क्रमों की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर हम भारत की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं भारत में चट्टानों का वर्गीकरण की, कि आखिर भारत में कौन कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और इनका निर्माण कैसे हुआ है और उनकी विशेषता क्या है। तो हम सबसे पहले क्या अध्ययन करते हैं? भारत में चट्टानों का वर्गीकरण। क्या अध्ययन करते हैं? भारत में चट्टानों का वर्गीकरण, कि आखिर भारत में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, उनका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, कहां पर ये पाई जाती हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो यदि हम भारत की बात करें तो पृथ्वी के साथ ही भारत का भी अध्ययन करते हैं। तो जब से सबसे पहला युग था, सबसे पहले का काल था, जिसे अजैविक काल या एजोइक काल कहते हैं, उस काल में पृथ्वी आग का गोला थी। जब यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हो रही थी, तो इसके ऊपरी परतों में जो धातु तत्व थे, जो खनिज तत्व थे, वो लिक्विड अवस्था में थे, वो तरल अवस्था में थे। अब जब यह तरल अवस्था से धीरे धीरे ठोस अवस्था में परिवर्तित हुई, तो यहां पर ठोस बनने से एक प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? चट्टानों का निर्माण हुआ। उन चट्टानों को कहा जाता है आर्कियन युग की चट्टानें। क्या कहा जाता है? आर्कियन युग की चट्टानें। तो यदि पूछा जाता है कि सबसे पहली चट्टानें कौन सी हैं, तो भारत की सबसे पहली, सबसे प्राचीनतम, सबसे मूल चट्टानें कौन सी हैं? आर्कियन क्रम की या आर्कियन युग की चट्टानें हैं।
बात कही जाए कि ये चट्टानें कैसी होंगी, क्या इनमें परत पाई जाएगी, तो नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब हम चट्टानों का अध्ययन कर रहे थे, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, तो इन सभी में मैंने बताया था कि जो आग्नेय चट्टान है वो तरल पदार्थ के जमने से ठोस पदार्थ में परिवर्तन से होती है। उनका निर्माण कैसे होता है? तरल पदार्थ के जमकर ठोस में परिवर्तन से होता है। तो जब कोई तरल पदार्थ ठोस में परिवर्तित होता है तो वहां पर क्रिस्टलों का जन्म होता है, लेकिन परतों का निर्माण नहीं होता। और हो यही रहा है कि आर्कियन युग की चट्टानों में जो तरल अवस्था में लावा या मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर था, वो क्या हो रहा है? जम रहा है। अब जमने से हुआ क्या? यहां पर चट्टानों का निर्माण हुआ। तो इन चट्टानों में ना तो परतें पाई जाएंगी और ना ही जीवाश्म पाया जाएगा। क्या क्या नहीं पाया जाएगा? ना तो इसमें परतें होंगी और ना ही इसमें जीवाश्म होगा। क्यों? क्योंकि आग के गोले थे और आग का गोला जो था वो तरल अवस्था से फिर धीरे धीरे ठोस, ठंडा होकर ठोस में कन्वर्ट हुआ है, ठोस में परिवर्तित हुआ है। तो इसलिए ना तो यहां पर इस समय कोई जीव जंतु ने जन्म लिया था, ना तो पृथ्वी पर वनस्पति थी, इसलिए यहां पर जो है जीवाश्म नहीं होगा और इनमें परतें भी नहीं पाई जाती हैं। यदि बात करें कि इन चट्टानों से निर्माण किसका होता है, तो जब इन चट्टानों का रूपांतरण होता है तो इन चट्टानों के रूपांतरण से नीस की उत्पत्ति होती है, नीस का निर्माण होता है। जैसे कि उदाहरण में हम देखते हैं बुंदेलखंड नीस। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड नीस। तो जो बुंदेलखंड नीस है वह सबसे प्राचीनतम चट्टानों का भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे प्राचीनतम चट्टानों का भाग कहलाता है। बात करें कि इन चट्टानों में किस चीज की अधिकता होती है, तो इन चट्टानों में धात्विक, अधात्विक, बहुमूल्य पत्थर और भवन निर्माण के लिए जो उपयोगी पत्थर होते हैं उनकी क्या होती है? यहां पर अधिकता होती है। किस किस की? धात्विक पदार्थों की भी होती है, अधात्विक पदार्थों की भी होती है, और साथ साथ जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं और जो भवन निर्माण के लिए पत्थर होते हैं उन सभी का निर्माण इस क्रम की चट्टानों के ठंडे होने से, इस क्रम की चट्टानों से होता है, या इस क्रम की चट्टानों में ये पाए जाते हैं। अब बात आती है कि ये चट्टानें भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। मैप के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये चट्टानें कहां पर पाई जाएंगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, दक्षिण भारत में जो कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है यहां पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। यदि हम आगे की बात करें तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार, ये जो भारत का प्रायद्वीप भारत वाला भाग है, ये पहले आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित था, बाद में दक्कन के युग की चट्टानों से निर्मित हुआ है। तो सबसे पहले ये वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हो जाएगा, झारखंड वाला क्षेत्र हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है वो किसके अंतर्गत आता है? आर्कियन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है, और आर्कियन क्रम की चट्टानों को ही मूल चट्टानें कहा जाता है। आगे हम अध्ययन करते हैं कि इसके बाद कौन सी चट्टानें आती हैं। तो आगे की हम बात करें तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद आती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दूसरे नंबर पर कौन सी आती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी आती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन युग की चट्टानों का धीरे धीरे क्या हुआ, अब वो टूटी फूटी, इन पर अपक्षय अपरदन की क्रिया हुई और ये क्या हो गई? एक के बाद परतों में जमा होने लगी। तो जब परतों में जमा हुई, इन पर ताप और दाव पड़ा, तो इनके निश्चालन से या इनके टूटन की क्रिया से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें कहा जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्या कहा जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। बात आती है कि क्या इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो इनका निर्माण है वो आर्कियन युग की चट्टानों के टूटने के कारण, अपक्षय के कारण, अपरदन के कारण, जमने के कारण हुआ है, इसलिए इन जो चट्टानें होती हैं इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। लेकिन इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है,
क्योंकि इस समय तक भी पृथ्वी पर जीवाश्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी, वनस्पति की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो यदि आता है कि धारवाड़ प्रक्रम की चट्टानों में जीवाश्म की बहुलता होती है या नहीं, तो यहां पर जीवाश्म नहीं पाया जाता, यहां पर सिर्फ परतें पाई जाती हैं। यदि देखा जाए कि ये चट्टानें किस इनमें किस चीज की अधिकता होती है, तो यहां पर खनिजों की दृष्टि से देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण चट्टानें होती हैं, यहां पर खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इन्हीं चट्टानों के क्रम में अरावली पर्वत का भी निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ? अरावली पर्वत का। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत आता है। क्योंकि यदि बुंदेलखंड नीस के बाद यदि किसी का स्थान आता है तो किसका आता है? अरावली पर्वत का आता है। अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के समय हुआ था। तो सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है? अरावली पर्वत है। क्लियर है। यदि बात करें कि यहां पर अधिकता किन किन तत्वों की होती है, तो यहां पर सोना, लोहा, मैग्नीशियम जैसे तत्वों की क्या होती है? अधिकता होती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले के आधार पर पड़ा है। वहां पर जो जिला है धारवाड़, उसके आधार पर इसका नाम धारवाड़ पड़ा है। ये चट्टानें आखिर कहां कहां पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये चट्टानें एक तो कर्नाटक के धारवाड़ में पाई जाएंगी, दूसरा शिमोगा जिले में पाई जाएंगी, कर्नाटक की कावेरी घाटी, कहां पर? कर्नाटक की कावेरी घाटी में भी ये पाई जाएंगी। और बात करें तो ये जबलपुर, जबलपुर के साथ साथ नागपुर की सोनसर घाटी जो होती है, कौन सी घाटी? सोनसर घाटी, यहां पर पाई जाती है। और गुजरात की चापेनर घाटी में पाई जाती है। कहां पर? गुजरात की चापेनर घाटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां कहां पर पाई जाती हैं। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि क्या यहां जीवाश्म पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं होता, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें का निर्माण जो है वो आर्कियन युग की चट्टानों के टूटन फूटन की क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में खनिज संसाधन की अधिकता होती है, इसमें सोना, लोहा, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। यदि यहां की बात करें इसका नाम किसके आधार पर पड़ा है, तो इसका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के आधार पर पड़ा है। यदि देखें चट्टानें भारत के कहां कहां पर पाई जाती हैं, तो ये चट्टानें धारवाड़ में, शिमोगा में, कावेरी घाटी में, ये सारे कहां हैं? तीनों कर्नाटक में हैं। इसके बाद जबलपुर और नागपुर की कहां पर? सोनसर घाटी में, और गुजरात की चापेनर श्रेणी में पाई जाती हैं। क्लियर है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद आती है कुड़प्पन क्रम की चट्टानें। तीसरे क्रम की यदि हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं कि धारवाड़ के बाद कौन सी आती है, तो आती है कुड़प्पन क्रम की चट्टानें। क्या आती हैं? कुड़प्पन क्रम की चट्टानें। दोस्तों ध्यान रखना, जितने भी क्रम की चट्टानें हैं इनका जो निर्माण होगा वो पहले क्रम की चट्टानों के टूटन फूटन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ही होगा। जो इससे पहले क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें अपक्षय अपरदन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ही अगले क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले क्रम की चट्टान थी आर्कियन क्रम की चट्टान, उनके टूटन फूटन से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटन फूटन से किसका निर्माण हुआ? कुड़प्पन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। यह चट्टानें भी परतदार पाई जाती हैं। कैसी होती हैं? परतदार होती हैं। जीवाश्म का इनमें अभाव पाया जाता है। हुआ क्या कि इस समय जीवाश्म की तो उत्पत्ति हो गई थी, लेकिन ये इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि यहां जो जीवाश्म थे वो भी जल गल कर क्या हो गए हैं? नष्ट हो चुके हैं पूर्णतः। इसलिए इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यदि बात की जाए कि कुड़प्पन का नाम कैसे पड़ा, तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के आधार पर इनका नाम पड़ा है, कुड़प्पन क्रम की चट्टानें। यदि बात करें कि इन चट्टानों में किस चीज की बहुलता होती है, तो इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, इनकी क्या होती है? अधिकता होती है। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि कुड़प्पन क्रम की चट्टानों में किसकी अधिकता होती है,
तो किस किस की होती है? बलुआ पत्थर की होती है, संगमरमर की होती है, चूना पत्थर की होती है, रॉक फॉस्फेट की होती है, एस्बेस्टास की होती है, इनकी अधिकता यहां पर पाई जाती है। यह है, यदि बोला जाए कि यह कहां पर पाई जाती है, तो यह दक्षिण भारत के साथ साथ राजस्थान वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। कहां पर? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के अर्थात दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस वाले क्षेत्र में तो पाई जाती हैं। इनके साथ साथ यदि इनकी स्थिति देखी जाए तो ये गुजरात में भी पाई जाती हैं। कुड़प्पन क्रम की चट्टानों के बाद आती हैं चौथे नंबर पर, जिन्हें कहते हैं विंध्यन क्रम की चट्टाने। क्या कहते हैं? विंध्यन क्रम की चट्टाने। विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें कि इनका निर्माण कैसे हुआ, तो विंध्यन क्रम की चट्टान है वही बात कि कुड़प्पन क्रम की चट्टानों के टूटन फूटन अपक्षय अपरदन की क्रिया के परिणाम स्वरूप परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ, जिन्हें कहा जाता है विंध्यन क्रम की चट्टान है। बात कही जाए कि यहां पर अधिकता किस चीज की होती है, तो यहां पर भी चूना पत्थर, संगमरमर जैसे तत्वों की या तत्वों की क्या होती है? अधिकता होती है। बात करें कि आखिर ये क्रम में पाई कहां जाती हैं, कि विंध्यन क्रम की चट्टानों की स्थिति भारत में कहां पर है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों की स्थिति यदि हम भारत में देखें तो यहां पर जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, जो विंध्यन वाला क्षेत्र है, बघेलखंड वाला क्षेत्र है, यहां पर ये चट्टान है। दूसरा आंध्र प्रदेश में, थोड़ा सा कर्नाटक का भाग, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का भाग, तो यहां पर इन चट्टानों की क्या पाई जाती है? बहुलता पाई जाती है। इन चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां से जीवाश्म का उल्लेख मिलने लगता है, इन चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष मिलने लगते हैं। ये चट्टानें परतदार होती हैं, यहां पर जीवाश्म भी पाया जाता है और यहां पर चूना पत्थर की बहुलता होती है। क्या होती है? चूना पत्थर की बहुलता। इसीलिए जितनी भी सीमेंट फैक्ट्रियां होती हैं वो अधिकतर इन्हीं क्रमों की चट्टानों में या इन्हीं क्षेत्रों में लगाई जाती हैं। बात करें कि जो बहुमूल्य हीरा होता है, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से निकाला जाता है, और यदि हम बात करें कर्नाटक की कि आखिर कर्नाटक में ये कहां से निकाला जाता, कर्नाटक में भी एक मिला था कोहिनूर का हीरा, तो ये जो मिले थे ये इसी क्रम की चट्टानों में मिले थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि इनका निर्माण कैसे हुआ, तो मैंने बताया था कि उन चट्टानों के निक्षेपण से हुआ, उसके साथ ही ये नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से इनका निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इनका निर्माण उसके टूटन क्रिया से तो हुआ, लेकिन साथ ही नदियों के निक्षेप के द्वारा भी इसका निर्माण होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके आगे की चट्टाने कि गोंडवाना क्रम के बाद कौन सी चट्टाने आती हैं, तो गोंडवाना क्रम के बाद जो चट्टाने आती हैं उन्हें, सॉरी, विंध्यन क्रम के बाद जो चट्टाने आती हैं उन्हें कहते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टाने। क्या कहते हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टाने। इनका क्रम पांचवा होता है। इनका निर्माण विंध्यन क्रम की चट्टानों की अपक्षय अपरदन से हुआ है। हुआ क्या था कि कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग की बात है। कब? कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के बीच की बात। हमने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का अध्ययन किया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम पढ़ रहे थे वहां पर हमने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का अध्ययन किया था, जिसके तहत मैंने बताया था कि महाद्वीपीय विस्थापन में सबसे पहले सारी पृथ्वी, सारे जो भूखंड थे, सारे जो महाद्वीप थे, वो आपस में जुड़े हुए थे और आपस में जुड़े हुए भाग को पेंजिया कहा गया। कार्बोनिफेरस से लेके ट्रियासिक युग, फिर जुरैसिक युग में इनमें क्या हो रहा था? दरारें आ रही थी, ये टूट रहे थे। तो यही क्रम यहां भी हुआ। इनमें टूटन की जब क्रिया हुई तो इनसे क्या हुआ? एक परत दूसरी परत के ऊपर आई। तो जब ये क्रिया चल रही थी और यहां पर वनस्पति बहुल मात्रा में उत्पन्न भी हो चुकी थी, बहुत सारी वनस्पति भी आ गई थी, तो जैसे ही ये टूटन की क्रिया चल रही थी, एक परत के ऊपर दूसरी परत आ रही थी और दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत आ रही थी, तो इनके बीच में कुछ वनस्पति के अवशेष भी धस गए, दब गए, और इन वनस्पतियों के दबने से, सड़ने से, गलने से, जलने से क्या हुआ? इनके जलने से कोयले की और जीवाश्म की उत्पत्ति हुई। अर्थात यदि हम बात करें गोंडवाना क्रम की चट्टानों की, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है,
यदि हम कोयले की मात्रा देखें तो पूरी पृथ्वी पर जितना भी कोयला पाया जाता है उस कोयले का 98% कहां पर पाया जाता है? 98% कोयला कहां पर पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसी प्रकार से भारत में भी कि जितना भी कोयला निकाला जाता है उसका 98% कोयला किस क्रम की चट्टानों में मिलेगा? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। बात करें कि ये चट्टानें मिलती कहां हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का उद्भव होता कहां है, ये कहां पाई जाती हैं? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें सामान्यतः नदी घाटियों में पाई जाती हैं, जैसे कि दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी। तो इन नदियों की घाटी में कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद हम देखें कि किन चट्टानों का निर्माण हुआ, तो इनके बाद में होता है दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण। किसका होता है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण देखते हैं हम। दक्कन क्रम की चट्टानें हुआ क्या, कार्बोनिफेरासिक युग के बाद ट्रियासिक आया, फिर जोरासिक युग आया, जोरासिक युग के बाद आता है मेसोजोइक युग। क्या आता है? मेसोजोइक युग, मतलब यह युग एक मार फिर से ऐसा युग आया जो हमने पहले देखा था जब आर्कियन युग की चट्टानों का निर्माण हो रहा था। हमने देखा था कि पृथ्वी गर्म से धीरे धीरे ठंडी हुई, लावा जो था, जो पिघली हुई अवस्था में पृथ्वी थी, वो धीरे धीरे ठोस में कन्वर्ट हुई, तो एक क्रिस्टलीय चट्टानों का निर्माण हुआ जो कि आर्कियन युग की चट्टानें थी। अब इतना क्रम बदल चुका, इतना समय बीत चुका कि बहुत सारी चट्टानों का निर्माण हो चुका, जिनके अपक्षय अपरदन से बहुत सारी परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ, जैसे आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुड़प्पन, कुड़प्पन के बाद बात करें तो विंध्यन, विंध्यन के बाद फिर गोंडवाना। इतनी सारी चट्टानों का निर्माण हुआ कि चट्टानें अपने मूल रूप से क्या हो गई, पूरी की पूरी परिवर्तित हो गई। अब जैसे ही युग आया मेसोजोइक का, तो ये जो दरारों की प्रक्रिया चल रही थी पृथ्वी पर, जो टूटन फूटन की प्रक्रिया चल रही थी, उसी प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रायद्वीपीय भारत में यहां पर क्या हुआ, दरारें आई, और दरारों में से बहुत सारे ज्वालामुखी का क्या हुआ, उद्भेदन हुआ। और जैसे ही ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ तो ज्वालामुखी के मुख से पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित जो तरल मैग्मा था वो क्या हुआ, बाहर आया। और जब ये मैग्मा वायुमंडल के संपर्क में आया तो इस मैग्मा में उपस्थित गैसें और जल वाष्प वायुमंडल में क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया गया। तो गैसों रहित मैग्मा को क्या कहा जाता है, गैसों रहित मैग्मा को लावा कहा जाता है। अर्थात लावा के निक्षेप, लावा के यहां पर जमने से कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ, चट्टानों का, दक्कन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ध्यान रखना, जब लावा वायुमंडल के संपर्क में आता है तो बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है, और बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होगा तो क्या होगा, इसके क्रिस्टल बड़े बड़े बनेंगे, और जब इसके क्रिस्टल बड़े बड़े बनेंगे, सॉरी क्रिस्टल कैसे बनते हैं, छोटे छोटे बनते हैं, तो जो छोटे वाले क्रिस्टल की चट्टानें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बेसाल्ट चट्टानें कहलाती हैं। इसलिए ध्यान रखना, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है वो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है, और पृथ्वी की जो आंतरिक चट्टानें होती हैं यदि वो लावा या मैग्मा के जमने से बनी हुई हैं तो वो कैसी होती हैं, ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें होती हैं। तो जो बाहर जम रही थी बेसाल्ट क्रम की चट्टानों में परिवर्तित हो रही थी, और बेसाल्ट क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से काली मृदा का निर्माण हो रहा था। और काली मृदा कैसी होती है, बहुत उपजाऊ होती है, जिसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि फसलों की दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर सोयाबीन की फसल बहुत ज्यादा होती है, कपास की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। बात करते हैं कि आखिर ये किस क्षेत्र में फैली, ये चट्टानें किस क्षेत्र में है, तो दोस्तों जितना भी भारत का प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है, प्रायद्वीप भारत का क्षेत्र है, वो दक्कन वाला क्षेत्र है, ये जो एरिया है ये सारा का सारा कैसा है, लावा निर्मित है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है। इसलिए इस भाग में काली मृदा भी क्या है, बहुलता में पाई जाती है। बात करें यदि हम जिलों की कौन कौन से, सॉरी राज्य आएंगे, तो इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे जिले आते हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानों के बाद क्रम आता है टर्शरी क्रम की चट्टानों का। कौन सी चट्टानें आती हैं, टर्शरी क्रम की चट्टानें। टर्शियरी क्रम की चट्टानें, टर्शियरी क्रम है ना, ये कब आई, वही क्रिया चल रही थी
दक्कन ट्रैप की चट्टाने आई, दक्कन के बाद आया टर्सरी युग, और यह युग था इओसेन काल का। कौन सा था? इओशीन काल। इओशीन काल में ही हिमालय की उत्पत्ति हो रही है, मतलब ये जो काल है जिसमें हिमालय का निर्माण हुआ है। हमने देखा था कि जब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अंतर्गत हमारा प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर जा रहा था, और उत्तर की ओर जाते हुए वो किससे टकराया? यूरेशियाई प्लेट से टकराया। चूंकि दक्कन ट्रैप जो था, सॉरी, प्रायद्वीपीय भारत की जो प्लेट थी वो भारी थी, और जैसी यूरेशियन प्लेट से टकराई तो टकराने के बाद ये नीचे की ओर धस गई, और यहां पर तैथिस सागर में जो मलबा था वो क्या हुआ? ऊपर उठा, और ऊपर उठने से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। वह निर्माण कब हो रहा है? इओशीन युग में हो रहा है, और इस क्रम में जितनी चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें कहा गया टर्शरी क्रम की चट्टानें। क्लियर है? और यह काल चला इओशीन युग से प्लियोशीन युग तक। कहां तक चला? इओशीन युग से प्लियोशीन युग के मध्य तक का यह काल था। इस काल में इन चट्टानों का निर्माण हुआ, और इनमें खनिज तेलों की बहुलता भी पाई गई। ये जो चट्टानें बनी, चूंकि यहां पे क्या हो रहा है कि टूटन फूटन की क्रिया चल रही है, और टूटन फूटन की क्रिया से जो वनस्पति थी वो नीचे दब गई, जो दलदल वाला क्षेत्र था वो नीचे दब गया, इसी कारण खनिज तेल की बहुलता वाला जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? टर्शरी क्रम की चट्टानों वाला क्षेत्र होता है। टर्शरी क्रम की चट्टानों के बाद आती है क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें। कौन सी? क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें, जो कि नवीनतम चट्टानें हैं, सबसे आखिरी की चट्टानें हैं, क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें। क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें आखिरी में आती हैं, आठवें नंबर पर आती हैं, सबसे आखिरी चट्टानें हैं, अभी की चट्टानें हैं। इसमें भी काल था, इसमें प्लोशीन काल और हेलोशीन काल दो काल चल रहे थे। एक कौन सा चल रहा था? प्लोशीन काल चल रहा था, और एक हेलोशीन काल चल रहा था। और ये जो चट्टाने हैं वो गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्रों में निर्मित हो रही थी। गंगा और यमुना के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर जो जलोढ़ के द्वारा, जो नदियों द्वारा जलोढ़ लाई जाती है, उसके निक्षेप से इस क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा था। अब उसमें जो प्लोशीन युग में जिन जलोढ़ का निक्षेप हुआ उनसे जिस मृदा का निर्माण हुआ उसे कहा गया बांगर मृदा, अर्थात पुरानी जलोढ़ जो कि कम उपजाऊ थी। और हेलोशीन युग में जिस जलोढ़ का निक्षेप हुआ उसे कहा गया खादर जलोढ़, अर्थात नवीन जलोढ़ मृदा। और ये किसमें पाई गई? ये क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों में पाई गई। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बांगर और खादर क्या है, तो ये जलोढ़ मृदा के ही रूप हैं। बांगर जो होता है प्राचीन जलोढ़ को कहते हैं जो कि प्लोशीन युग में निर्मित थी, और जो खादर है वो नवीन जलोढ़ कहलाती है, जिसका निर्माण यदि हम क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों की बात करें तो कब हुआ है? हेलोशीन युग में हुआ है। यदि नवीन परिभाषा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि खादर क्या कहलाता है, तो नवीन जलोढ़ जब नदियों द्वारा जल बहाकर लाया जाता है और प्रति वर्ष उसको क्षेत्रों में जो अपने साथ मलबा लाया है उस लाया गया है उसका निक्षेप कर दिया जाता है, तो निक्षेप से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? खादर मृदा कहा जाता है। तो इस तरीके से पृथ्वी पर बहुत सारे महाकल्प थे, पांच महाकल्प थे, और इन पांच महाकल्पों के अंतर्गत जो भारत की नौ चट्टानें हैं इनका निर्माण हुआ। और इन चट्टानों का निर्माण अलग अलग स्थिति में अलग अलग कालों में होने के कारण यहां पर या इनकी विशेषताएं अलग अलग थीं, या कहीं पर खनिज तत्वों की बहुलता थी तो कहीं पर जीवाश्म की बहुलता थी, और इन्हीं के अध्ययन के आधार पर हम भारत की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं कि आखिर भारत पर कहां पर कौन सी मृदा पाई जाएगी, कहां पर कौन से खनिज पाए जाएंगे। तो इन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत हमने भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया। अगले टॉपिक के अंतर्गत हम भारत के भौगोलिक विभाजन का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आखिर भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भौगोलिक क्षेत्रों के साथ साथ हम प्रत्येक क्षेत्र का प्रादेशिक और भौगोलिक विभाजन अलग अलग करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।